और ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर ओबीसी संशोधन बिल से जुड़ी हुई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरी झंडी इस बिल को दिखा दी है। अब ऐसे में राज्यों के पास ये अधिकार होगा, राज्य अपनी अपनी ओबीसी सूची खुद बना पाएंगे, खुद ये काउंटिंग कर सकेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद बिल संसद में पेश हुआ। केंद्र ने संविधान संशोधन कर बिल को कानूनी रूप दे दिया है। राष्ट्रपति की मोहर लग गई है और इसी के साथ ये अधिकार तमाम राज्यों को मिल गया है कि वो अपनी अपनी ओबीसी लिस्ट बना सकें। तमाम राज्यों के आगे राजनीतिक से लेकर सामाजिक और क्षेत्रिक ऐसे चुनौतियां रहती हैं जिसको अब वो मैनेज कर पाएंगे ओबीसी कैटेगरी में शामिल कर। तो वहीं बंगाल चुनावी हिंसा की सीबीआई जांच होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सीबीआई ने 4 टीमों का गठन किया है। ज्वाइंट डायरेक्टर के नेतृत्व में ये 4 टीम्स बनाई गई हैं। सभी टीम में 7 सदस्य होंगे और अब पश्चिम बंगाल में जो हिंसा की खबरें लगातार आती रहीं, चुनाव से पहले भी चुनाव के बाद भी, अब इन सब पर सीबीआई को जांच करनी है। ज्वाइंट डायरेक्टर के नेतृत्व में 4 टीमें बनाई गई हैं और हर टीम में 7 सदस्य होंगे जो इन घटनाओं की जाँच करेंगे। तो इसी के साथ यहां ले रहे एक छोटा सा ब्रेक।